कई बल्ले इनके बहुत अच्छे हैं, ये साफ सुथरे बहुत हैं और अपना मटेरियल खुद परचेज करते हैं, जो भी चावल दाना जो भी इसमें इस्तेमाल होता है बेसन खुद पसवाई कराते हैं। खुद मर्चें पछवाते हैं, खुद गर्म मसाला शमा मसाला जात वालों से पछवाते हैं। ये कितने लोग लगे हैं? ये तीन प्लेट हैं। तीन प्लेट हैं, तीन प्लेटों का जो है ना बड़ा बड़ा प्लेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? फिट फाट है, ठीक ठाक हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीरी मोहल्ला में और आज हम आए हुए हैं हाजी देव बल्लो वाले के पास, इनके जो है वो गोलगप्पे वगैरह ट्राई करने के लिए। ये जो दुकान है ये तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी है और इनके जो गोलगप्पे हैं, दही भल्ले हैं और साथ जो पापड़ी चाट है, शाहजहाँपुर में काफ़ी फेमस है। हर वक्त इनकी दुकान पर रश लगा रहता है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस टाइम भी रश लगा हुआ है और आज जो है इनके गोलगप्पे हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह और आपको दिखाएँगे। सो लेट्स सी। ये मेरे वालद साहब ने काम शुरू किया था 1994 में। अच्छा, ठीक है, ये काम ठीक है। उसके बाद हम सारे भाई लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का एहसान है, चारों भाई इकट्ठे लगे हुए हैं। हम सुबह 12 बजे स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, और रात 9 बजे तक रहता है टाइम हमारा, लेकिन ख़त्म होने का टाइम वो नहीं बता सकते, जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, 9 बजे तक भी रहता है। हमारे पास हैं दही भल्ले हैं, गोलगप्पे हैं और पापड़ी चाट है, तीन चीज़ें। गोलगप्पे कौन कौन से हैं? दोनों हैं। सिर्फ पानी वाले हम नहीं बनाते, वो वजह ये है कि कोरोना की वजह से हमने सारा डिस्पोजेबल कर दिया है, पानी वाले इधर नहीं बनते, वो पैक होते हैं सिर्फ, बाकी सब कुछ बनता है इधर, भरे हुए बनते हैं, पापड़ी चाट बनती है, दही भल्ले बनते हैं, वो इधर बनते हैं। आपकी जो पापड़ी चाट है उसमें जो पापड़ी है वो बहुत खस्ता हाल होती है, वो आप कैसे बनाते हैं? ताज़ी बनाते हैं रोज़? रोज़ाना फ्रेश बनती है, रोज़ाना फ्रेश बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चाट बनाते हैं वो सारी रोज़ाना फ्रेश बनती है। कोई लड़के वगैरह नहीं रखे, वही लड़के हैं जो हमारे साथ थोड़ी सी हेल्प करते हैं, बाकी सारे का सारा काम हम खुद करते हैं। पापड़ी चाट इसमें सबसे पहले क्या आ गया? चाट आ गई ना। 10 रुपए की प्लेट थी गोलगप्पों की, जब आपके वाले साहब ने शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही है, 10 रुपए की प्लेट थी, अब 130 की है। अब 130 की पापड़ी चाट कितने की है? वो भी 130 की, 130 की है, सब एक जैसी है रेट। 130 की प्लेट सलाद। तीन प्लेट भाई, एक और खूबसूरत डिजाइन हो रहा है। ये कितने गोलगप्पे हैं? ये तीन प्लेट हैं। तीन प्लेट है, सारी खुद बनाते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे कि दही, ये बाहर से लेते हैं, ठीक है, गोलगप्पे ये बाहर से लेते हैं, बाकी तमाम चीजें हमारी अपनी हैं। बात तो ये है ना, आप अच्छे पैसे दोगे आपको अच्छी चीज मिलेगी, ठीक है, पैसे पूरे दोगे चीज़ बंदा अच्छी देगा। अगर आपने पैसे पूरे नहीं देने फिर उसने उसमें दो नंबरी ज़रूर करनी है। अगर आपने पैसे पूरे देने हैं दही आपको अच्छा, हर चीज़ आपको अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, चंद चीज़ें हैं गिनती की, 2-3 चीज़ें हैं वो बाहर से लेते हैं, बाकी सारी की सारी हम बनाते हैं, चटनियाँ वगैरह भल्ले फुल्कियाँ वगैरह हर चीज़ मसाला अपना, मिर्चें वगैरह अपनी तैयार करवाते हैं, पिसवाते हैं, मसाला जात जो भी है 3 से 4 चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, 3-4 तो ज़्यादा है, 2 से 3 कह सकते हैं वो बाहर से ले रहे हैं, बाकी सारा अपना मसाले वगैरह भी खुद तैयार करवाते हैं, सब कुछ खुद पिसवाते हैं, मिर्चें और बड़ा मिर्चें वगैरह गर्म मसाला वगैरह ये सारा अपना होता है। आलू वगैरह को स्पेशल लेते हैं? नहीं, वो ही लेते हैं जो मंडी से मिलते हैं,
जो सब्ज मंडी से मिलते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कि आलू में एक चीज ये है कि आलू कौन सा चाट में इस्तेमाल होना चाहिए वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर वक्त यहाँ पे मसाला से अभी भी रस लगा हुआ है, दो प्लेट क्या खास हो जाए, क्या ऐसा डालते हैं अपने अपने चीजों में? ये अल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का दिया हुआ खा रहे हैं, कम या ज्यादा ये अल्लाह का दिया हुआ है, शुक्र है अल्लाह का, कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह ने रिज़्क लगाया हुआ है हमारा, बेहतरीन हो रहा है हमारा, बेहतरीन अल्लाह रिज़्क दे रहा है। ये जनाब जिनसे हम दही लेते हैं ना वो काफ़ी पुरानी दुकान है उनकी, और बड़ा अच्छा दही लगाते हैं, हसैन वाले मेन बाज़ार में है, और बड़ा अच्छा उनका कारोबार माशाल्लाह, अच्छी ब्रांचे हैं उनकी, तीन या चार ब्रांचे हैं, बड़ा अच्छा काम है। चेक करके फिर उनसे काम शुरू किया था हमने दही का, 1994 से लेके आज तक एक दफ़ा भी वजन नहीं किया और काउंट भी नहीं किया। ये शुरू से हमारे वालिद साहब का एक 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 तरीका कार है, उसी पे चल रहा है। ये ले जी, ये हमारे जो है ना गोलगप्पे आ गए हैं, अभी ये ट्राई करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो सब ट्राई करेंगे, क्योंकि पूरी पूरी प्लेयर्स जो है वो हमसे खाई नहीं जाएंगी, तो हम जो है ना थोड़े से गोलगप्पे ट्राई करते हैं, थोड़ी सी पापड़ी चाट ट्राई करते हैं, और जो है वो थोड़े से दही भल्ले ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। गोलगप्पे जो है वो हाथ से खाने का मज़ा आता है, तो हम चम्मच नहीं इस्तेमाल करेंगे भाई जान। ये हाथ पकड़ लिए गोलगप्पा, ये चेक कर रहे हैं इनका गोलगप्पा, ओए हो काफ़ी बड़ा गोलगप्पा, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये ले जी, ये अब हम जो है ना पानी के साथ इंशाल्लाह से ट्राई करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये पानी आ गया और ये बिस्मिल्लाह, ये लें जी, ये हमारे जो है ना दही बड़े आ गए हैं, ये दही बड़े जो है ना आप ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सिंपल है, अभी बड़ा हमने इसके अंदर नहीं डाला, बड़े के बगैर ट्राई करते हैं। ये दही है साथ, उसके साथ जो मीठी चटनी है, और ये बड़े चेक करें, ये देखें, ये बड़ा, अब ये बड़े के साथ जो है ना इसकी अच्छी खासी बात ट्राई करते हैं, चेक करें। ये लें जी, ये हमारी जो है ना पापड़ी चाट आ चुकी है, पापड़ी चाट, क्रिस्पी क्रिस्पी पापड़ी चाट, और माशाल्लाह से जो है ना इसकी जो है बाइट ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये जी, ये चेक करें पापड़ी चाट, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो ऊपर पापड़ी है ना, ये बिल्कुल क्रिस्पी है और बिल्कुल फ्रेश है, आमतौर पर होता है पापड़ी चाट की जो ऊपर पापड़ी होती है ना वो, उसका इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन इसका बहुत टेस्ट आ रहा है। ये जो पापड़ी है ना ऊपर वाली, बिल्कुल क्रिस्पी है, लगता है अभी अभी फ्रेश जो है ना वो निकाल लिया, लेवल हो गया, बिस्मिल्लाह। नहीं बल्ले इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत इनकी डिमांड है, बल्कि दूसरे शहरों से भी हमें डिमांड आती है, हम कश्मीरी मोहल्ले के रहने वाले हैं, इनकी सबसे खूबसूरत ये है कि साफ सुथरे बहुत हैं, और अपना मटेरियल खुद परचेज करते हैं, जो भी चावल दाना जो भी इसमें इस्तेमाल होता है बेसन, खुद पसवाई कराते हैं, खुद मिर्चें पछवाते हैं, खुद गर्म मसाला शमा मसाला जात वालों से पछवाते हैं, ये इनकी बहुत खूबी है। ये चने की दाल खुद लेते हैं और बेसन उसका खुद बनवाते हैं, और उसका बिल्कुल उसका इतबार नहीं करते, खुद हाजी साहब पास बैठते हैं जिनका हाजी मोहम्मद अमजद नाम है, बहुत ग्रेट आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इनकी खसूसियत यही है, ये स्माइल फेस हैं, हर वक्त खुश तबाह खुश मजाज खुश हलाक, ये इनके जो बच्चों को भी तरबियत यही दी है, किसी से कोई अच्छी बात नहीं करनी, जो भी करे बात उसे तंबल मजाजी से सुनना, बड़े हलाक से प्यार से बात करना, ये उनकी तरबियत ही है, और तरबियत का सर यही है कि हम हमारे मोहल्लेदार भी जो हैं इनसे सबक सीखते हैं, जिनसे जो बात करते हैं, ये कारोबारी आदमी हैं, कारोबार करना जानते हैं, इन्होंने बहुत तरक्की की है, अल्लाह ताला मजीद इनको तरक्कियाँ करे, और सफाई सुथरी में बहुत अव्वल दर्जे हैं शहर में, इनकी कोई मुकाबला नहीं।
ये है जी माशाल्लाह से इनका डिजाइन और माशाल्लाह से बहुत साफ सुथरा है। ये पड़े हुए हैं जी आलू, सादे आलू हैं, इनको कटिंग करके रखे हुए हैं। ये जो चने हैं, चने हैं उबले हुए, और उसके साथ ये आ रहे हैं, ये जी मिक्स की हुई है इन्होंने, मसाले वगैरह लगा के चाट मिक्स कर दिया, चने फुलकियाँ और आलू वगैरह जो है ना ये सारे मिक्स है। इसमें भी ये देख सकते हैं ये आप मिक्स है, और उसके अलावा आप ये हैं ये जो बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये बड़े सेपरेट बड़े हैं जी। मैं शाहपुरा से आया हूँ जी। टेस्ट अच्छे का माशाल्लाह, मैं घर भी लेके जाता रहता हूँ जी। टेस्ट तो सबके अपने मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, लेकिन हमें टेस्ट का अच्छा लगता है। शाहपुरा से इधर आ जाते हैं, इधर से आता है? नहीं, इधर ही आते हैं जब चाट खाने होते हैं तो। टेस्ट बहुत शानदार। मैं यार पसरूट से आया हूँ, ये यासिन मुगल के साथ फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर। तो कह रहे थे आप स्पेशल दही भले ले खाते हैं जाके, तो इधर लेके आए ये हाजी दही भले वाले। ले जी गोलगप्पे, पापड़ी चाट और जो है ना दही भले, हमने इनके ट्राई कर लिए हैं। पापड़ी चाट भी माशाल्लाह बहुत मज़े की। अगर आप सियालकोट में पापड़ी चाट खानी है तो इनकी आकर ज़रूर खाएं। अगर आप शहर में रहते हैं और आप गोलगप्पे या दही भले और पापड़ी चाट की अच्छी प्लेस टूट रहे हैं, तो कश्मीरी मोहल्ला में आके आप जो है इनके पापड़ी चाट जो है वो खा सकते हैं। इस टाइम मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत माशाल्लाह से रश लगा हुआ है यहाँ पर भी, और ये भी आप देख सकते हैं लोग खड़े होकर खा रहे हैं। सिटिंग जो है इनके पास नहीं है, कोरोना की वजह से इन्होंने सिटिंग कोरोना के बाद जो है ना ऑफ की हुई है। फैमिलीज के लिए थोड़ी सी सिटिंग है, लेकिन फर्दर बंदे के लिए जो है ना सिटिंग आपको ज़्यादातर लोग जो है ना इनसे टेक अवे करवा के घर ही लेकर जाते हैं। तो आप जो है टेक अवे करवा के घर भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर खड़े होकर या बैठ के किसी जगह पर इसी स्ट्रीट में बैठ के जो है ना इनके गोलगप्पे पापड़ी चाट वगैरह ट्राई कर सकते हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है ना ये पापड़ी चाट का कॉर्नर है, यहाँ पे आगे जो है ना दही भले वगैरह ट्राई कर सकते हैं। अपने मेज़बान मोहित सुल्तान को दीजिए इजाज़त, और फतेह मान साहब क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आज नहीं ये बोर हुआ, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए फीमान अल्लाह। नान चने वाले, पूरी हलवे वाले और पकौड़े वाला शेमुला के तलाब पर बनाया था। कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है? सभी अच्छी है, सभी अच्छी है। ये है जी मोहल्ला इस्लामाबाद, वहाँ पे अगर आप आएँ तो सामने जो है इलामा इकबाल का मुजस्मा लगा हुआ है, और आगे आके आपको एक बहुत खूबसूरत सी ये वॉल दिखाई देती है, जहाँ पे कौम के हीरोज़ को जो है ना इन्होंने जुनेद जमशेद, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अरफा करीम और बाकी सारे जितने भी कौम के हीरोज़ हैं, जितने भी पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, उन सब को एक दीवार में जो है ना उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। और इसी जो है वो गले में अगर आप आगे जाएँ तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे आपको जो है वो दुकान मिलेगी।